तो अगर देखोगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूले याद हैं तो बड़े आराम से कर सकते हो। चलो ट्राई करते हैं। एक फ्लास्क है कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो, जब ग्लास में या फ्लास्क में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो बेसिकली देखो वो क्या है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, ठीक है। और मास रेशियो दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये मास रेशियो है, उससे कोई मतलब नहीं है। रेशियो ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड रेशियो ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो, काइनेटिक एनर्जी अगर एवरेज लिखोगे, ये फार्मूला अगर आप पढ़े होगे, तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो है वो होता है एफ के और टी डिवाइडेड बाई टू। तो ये जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, वेयर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैसे रिलेटेड है, मैं उसको लिख के बोल्टॉजमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है। तो देखो, के बोल्टॉजमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, तो ये सारे कांस्टेंट है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर देखोगे, तो यहाँ से H2O का डिवाइडेड बाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 का, तो यहाँ से, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी यहाँ से जो निकल के आई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिग्री ऑफ फ्रीडम के, तो यहाँ इक्वल होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ H2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ O2। अब दोनों डाई मॉलिक्यूल्स हैं, डाई एटॉमिक हैं, ठीक है, डाई एटॉमिक हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मॉलिक्यूल के फॉर्म में, डाई एटॉमिक, तो डाई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है। तो यह जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5, मतलब यह आ जाएगा 1:1। तो फाइनल सोल्यूशन 1:1, मतलब ये सेकेंड ऑप्शन सही है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।